Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the poem Fog by Carl Sandburg. So the poem says, the fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो ये थी हमारी पोएम. अब हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. तो फॉग का मतलब क्या होता है? अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली इन विंटर. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब विंटर का सीज़न होता है तो एक वाइट कलर की परत होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. अब फॉग को हम धुंध भी कहते हैं, कोहरा भी कहते हैं, और इसकी वजह से विजिबिलिटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स और मिस हैपनिंग्स होती हैं. तो पोएट जो है वो इस पोएम में क्या कहते हैं वो पहले एक्सप्लेन करते हैं, दैट द फॉग एंटर्स द सिटी. अब यहाँ पे पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं द एडवांसमेंट ऑफ फॉग टूवर्ड्स द सिटी वेरी स्लोली एंड कामली लाइक अ कैट ऑन इट्स लिटिल फीट. अब पोएट जो है ना वो कंपेयर करते हैं फॉग को कैट से. वो कहते हैं कि जैसे एक कैट अपने लिटिल फीट के ऊपर एंटर करती है एक घर के अंदर, वैसे ही फॉग जो है वो सिटी के अंदर एंटर करते हैं बहुत ही ज़्यादा कामली और बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली. वन नेवर नोज हाउ एंड व्हेन द फॉग विल एंटर द सिटी. अब हम ह्यूमंस जो है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फॉग जो है वो कब सिटी में एंटर करेगी और कैसे एंटर करेगी. सिमिलर टू अ कैट that enters our home silently in an unpredictable manner. अब जो cat है वो भी घर के अंदर एक बहुत ही unpredictable manner में enter करती है. हमें नहीं पता चलता कब वो enter कर जाती है, कैसे enter करते हैं, हम predict नहीं कर पाते. वैसे ही जो fog है वो भी एक unpredictable manner में enter करती है. Comparison. अब जो poet है वो compare करते हैं fog को cat से. इस पूरी poem में ही वो एक comparison करते हैं. तो पोएट जो है वो कहते हैं दैट द फॉग एंटर्स द होल सिटी जस्ट लाइक अ कैट सिट्स साइलेंटली बाय फोल्डिंग हर लेग्स बिहाइंड इटसेल्फ लुक्स अराउंड द नियर बाय प्लेसेस एंड थिंग्स. अब जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जैसे एक कैट है वो अपनी लेग्स फोल्ड करके बैठी होती है बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली और अपनी आसपास की जो जगहें हैं उन्हें देख रही होती है, वैसे ही जो फॉग है वो पूरी सिटी के ऊपर बैठी होती है और उसे कवर करती है. सिमिलरली इट सीम्स दैट द फॉग साइलेंटली कवर्स द होल ऑफ द सिटी एंड द हार्बर एंड इज सिटिंग ओवर देम लुकिंग अराउंड लाइक अ कैट. अब वैसे ही फॉग जो है वो पूरे हार्बर और सिटी के ऊपर कवर करके बैठी होती है और वहाँ पे वो एक कैट की तरह ही अपने आसपास की जो जगह है उसे देख रही होती है. फॉग मूव्स ऑन. अब फॉग जो है वो एंटर करती है, उसके बाद वो हार्बर और सिटी को कवर करती है एंड देन इट साइलेंटली मूव्स ऑन. आफ्टर अ वाइल द फॉग लीव्स द सिटी एंड मूव्स ऑन. अब थोड़ी देर बाद जो फॉग है वो सिटी को छोड़ के वहाँ से चले जाती है एंड इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. अब हमें पता है जो फॉग है वो ज़्यादा देर तक एक प्लेस पे नहीं रहती, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो कुछ टाइम आती है एंड देन इट मूव्स ऑन एंड लीव्स द प्लेस आफ्टर सम टाइम साइलेंटली विदाउट बींग नोटिस्ड बाय एनीवन. बिना किसी के नोटिस में आए जो फॉग है वो सिटी को बहुत ही साइलेंटली वहाँ से चले जाती है. अब ये पूरी पोएम जो है ना ये एक मेटाफर है. मेटाफर का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को किसी और चीज़ का रूप देके उसमें हम सिमिलैरिटी करते हैं. अब इस पोएम में भी जो पोएट है वो कैट और फॉग के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं, वो दोनों को कंपेयर करते हैं कि दोनों एक जैसे ही है. और जो पोएट है वो आपने देखा होगा कि वो कितने पॉजिटिव वे में फॉग को दिखाते हैं. यूजुअली जो फॉग होती है जब धुंध होती है तो जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, उसकी वजह से हम लोगों को कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ती है, बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सी मिस हैपनिंग्स होती हैं फॉग की वजह से. यूजुअली फॉग को हम एक नेगेटिव वे में देखते हैं, लेकिन इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली और बहुत ही पॉजिटिव वे में फॉग को डिस्क्राइब किया है और कंपेयर किया एक कैट से. सो दिस वॉज ऑल इन द पोएम एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डज दिस पोएम हैव अ राइम स्कीम. दिस पोएम हैज़ नो राइम स्कीम, इट इज़ इन ब्लैंक वर्स.
Next question. What is harbor? It is an area of water protected from the open sea by land or walls in which ship can shelter. The next question. What does Sandberg think the fog is like? He thinks that it is like a cat. Next question. How does the poet describe the fog in the poem? In this short poem, the poet describes the coming and going of fog. He compares the coming and going of the fog with the movement of a cat. Just as a cat comes on its silent feet without making any noise, so comes the fog and sits looking over the land and the sea. It also makes no noise when it approaches, and then it goes ahead as quietly as a cat does. To describe the fog, the poet has very beautifully used the metaphor of a cat. The next question. Find three things that tell us that the fog is like a cat. So the three things are that it comes quietly like a cat, it stays for some time like a cat and looking all around, and then it moves on quietly like a cat. So this was all in the poem, and I hope that you all understood it. Till then, I'll see you in the next video. Bye.